क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताएं क्या हुआ है? पैसे खत्म हो गए। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास पैसे हैं, मैं लेकर आती हूँ। ना परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा? नेक्स्ट मंथ रेंट देना होगा, बिल्स देने होंगे, हमारे खर्चे होंगे। जॉब के बगैर कैसे मैनेज होगा? जॉब मिल जाएगी। मुश्किल है। सारा इंटरनेट छान लिया मैंने, कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहा। हमारी नीयत साफ है ना, तो अल्लाह रास्ता निकालेगा। और तब तक मेरी जॉब है, जहांगीर साहब ने कहा बेफिक्र हो जाए। फिर भी मेरी जॉब होनी चाहिए। कब तक तुमसे पॉकेट मनी लेता रहूंगा? ऐसे मेरी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, आप परेशान हैं इसलिए मैंने ये बात बर्दाश्त कर ली। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, हम एक हैं। हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी मंजिल और ख़ास तौर पे हमारी पॉकेट एक है। दोबारा ऐसी बात नहीं सुनूंगी मैं। मेरा ये मतलब नहीं था। सारा दिन घर बैठना भी तो मुश्किल है ना। I know. मैं काम करना चाहता हूं। सब हो जाएगा। अभी खाना खाएं? मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा चले, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, भूखे रहते हैं आज। मैं हाथ धोता हूं, तुम खाना लगाओ। ओके अच्छा। मुझे आप दोनों से बात करनी है। मैं सिंसियर हूँ तुम्हारे साथ। I love you. बोलो बेटा। म्यूट कर देंगे। मैं माँ माँ जी भी। डैड, मैंने आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताया था ना, डॉक्टर हारिस। प्रपोज किया उसने मुझे। ये कौन है डॉक्टर हारिस और किस फैमिली से बिलोंग करता है? हारिस बहुत छोटा था जब उसके माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी। तो पला बड़ा कैसे? बोर्डिंग स्कूल्स और हॉस्टल्स। बेटा शादी एक बड़ा अहम फैसला है सारी जिंदगी का, और ये जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होते हैं। हारिस ऐसा नहीं है, वो खुद साइकाट्रिस्ट है डैड, और लोगों के मसले हल करता है। ही इज अ क्लियर हेडेड गाय। तुम इतनी वकालत कर रही हो तो कुछ खास तो होगा। वैसे ये डॉक्टर हारिस तुम्हें मिला कहां था? कुछ अरसे से मैं मेंटल स्ट्रेस में थी, तो डॉक्टर हारिस भी ट्रीटमेंट कर रहा था। तुमने जिक्र नहीं किया बेटा। वैसे मैंने अभी से कोई जवाब नहीं दिया डैड।
जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम्हें पसंद है? आप मिल लें एक दफा, I'm sure आपको भी पसंद आएगा। मेरा फोन आपके हाथ में क्या कर रहा है? जब हस्बैंड इतना हैंडसम हो तो चेक रखना पड़ता है। हैंडसम? बचपन की बातें थी। नहीं तो आप तो हर गुजरते दिन के साथ और हैंडसम होते जा रहे हैं।